हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्विंग क्वेश्चंस विद गौरी मैम। डॉक्टर होमी बाबा यंग साइंटिस्ट की जो एग्ज़ाम है 9th स्टैंडर्ड के लिए, उस एग्ज़ाम से लिया हुआ एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ विच ऑर्गन, ये हमें पूछा है। ऑप्शंस में देखो, ब्रेन, किडनी, लीवर और टेस्टिस, ये चार दिए गए हैं। तो आइए देख लेते हैं कि इनके कौन से यूनिट हैं जो एक्चुअली काम करते हैं। सबसे पहले ब्रेन, ब्रेन में देखो न्यूरॉन्स होते हैं जो सिग्नल ट्रांसडक्शन का काम करते हैं। इसमें सेंसरी न्यूरॉन होते हैं जो सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाते हैं, और मोटर न्यूरॉन होते हैं जो ब्रेन से आने वाले सिग्नल सेंसरी ऑर्गन तक पहुँचाते हैं, है ना। सो दिस इज न्यूरॉन फॉर ब्रेन। फिर किडनी के बारे में देखो तो यहाँ पर नेफ्रॉन होते हैं। देखो नेफ्रॉन क्या काम करते हैं, किडनी का बेसिक फंक्शन, ब्लड फिल्ट्रेशन का जो काम होता है किडनी का, वो नेफ्रॉन में होता है। ठीक है, यहाँ पर यूरिया, यूरिक एसिड और अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो भी है वो सेपरेट करके यूरिन में ऐड करके एक्सक्रीट किए जाते हैं, तो नेफ्रॉन में ये काम किया जाता है। लीवर की बात करो तो हिपैटिक सेल्स होते हैं लीवर में, जो लीवर के फंक्शन में मदद करते हैं, मेटाबॉलिज्म हो, डिटॉक्सिफिकेशन हो, प्रोटीन सिंथेसिस हो, तो इन फंक्शन में हिपैटिक सेल काम करते हैं। टेस्टीज में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर देयर विच आर देयर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, है ना। सो टेस्टीज का जो स्पर्म फॉर्मेशन का काम है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। अब यहाँ देखो हमें पूछा है नेफ्रॉन के बारे में, तो नेफ्रॉन है किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है, तो ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। राइट, सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग विद टूडेज वीडियो। आई एम शेयरिंग माई मेल आई डी, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, यू कैन शेयर मी थ्रू मेल or through comment section. I request you to please like, share and subscribe to my channel, and also to hit the bell icon. Thanks for watching.